हेलो एवरीवन, मैं हूं हरिंदर सिंह एंड आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फिटनेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मूव के बारे में जिसका नाम है डंबल हैमर कर्ल्स। इस मूव में हम आपके बाइसेप्स पर एंड आपके फोर आर्म्स पर काम कर रहे हैं। आप इस मूव को अपने मेन वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। सो इस मूव को स्टार्ट करने के लिए पहले आपको खड़े होना होगा अपने हिप विड्थ स्टैंस में। आपको डंबल ग्रिप करने एक न्यूट्रल ग्रिप में, जिसका मतलब आपके पाम्स आपके लेग्स की तरफ फेस करेंगी एंड आपके थम्स आगे पॉइंट करेंगे। अपने शोल्डर्स को पीछे, चेस्ट को ऊपर एंड अपना कोर टाइट रखें। सो इस मूव को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि इस मूव में हम किस फंक्शन को टारगेट कर रहे हैं। वो फंक्शन है एल्बो फ्लेक्शन एंड एल्बो एक्सटेंशन, जिसका मतलब आपको अपनी एल्बो बंद करनी है एंड आपको अपने एल्बो खोलनी है। तो किसी और जॉइंट को इन्वॉल्व ना करें, सिर्फ एल्बो फ्लेक्शन एंड एल्बो एक्सटेंशन पर ध्यान रखें, जिससे कि आपकी बाइसेप्स आपकी फोर आर्म्स अच्छे से ट्रेन हो पाएंगी। सो अब कर्ल करें डंबल को ऊपर, जब तक कि डंबल आपके क्लेविकल या फिर आपकी अपर चेस्ट कॉलर बोन तक ना आ जाए एंड उसके बाद डंबल को नीचे लेके आए कंट्रोल के साथ। अपने रिस्ट को न्यूट्रल रखें पूरी मूव में एंड अपनी लो बैक को यूज ना करें या फिर अपने शोल्डर्स को यूज ना करें वेट को ऊपर लिफ्ट करने के लिए। सारा फोकस एल्बो फ्लेक्शन एंड एल्बो एक्सटेंशन पर रखें एंड दिस इज हाउ वी परफॉर्म डंबल हैमर कर्ल्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, अच्छा खाएं एंड अच्छे से ट्रेन करें।